हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अब बात अनिल विज की, जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और वहां पर पहुंचकर अनिल विज ने वरम जोशी से उनका स्वागत भी किया गया। अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। शपथ लेने के पहले ही दिन अनिल विज ने अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्देश दिए। अनिल विज ने कहा कि साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अनिल विज ने ये साफ कर दिया है कि जो भी अधिकारी काम नहीं करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि अनिल विज हरियाणा की अंबाला कैंट विधानसभा से छठी बार विधायक चुने गए हैं। अधिकारियों से एक ही बात कही है कि अगर मैं 6 बार जीता हूं और मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरा एक ही नारा है कि काम किया है काम करेंगे, और जो इस नारे में बाधा बनेगा उसको यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहां वही अधिकारी रहें जो काम करना चाहते हैं, जो लोगों की दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हैं, जो लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। के अधिकारियों के साथ बात करने के लिए मैंने 10 दिन का समय दिया कि सब अधिकारी अपनी पूरी तैयारी करके आए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस डिपार्टमेंट के कौन सी स्थिति पर हैं और कहाँ हैं, और उसकी रिव्यू मीटिंग करेंगे और सारे प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ खड़े हैं और कैसे उनको आगे बढ़ाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन विशेष तौर पर मैंने अधिकारियों का ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि सफाई व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। टॉप प्रायोरिटी पर सबसे पहले आज मैंने उनको ये बात कही है, और उसके लिए जो जो कदम उठाने हैं, पॉलीथिन को रोकना है उसको रोकिए, डायरियां बाहर शिफ्ट करनी है डायरियों को बाहर शिफ्ट करिए, लेकिन अंबाला छावनी को मैं टॉप रैंकिंग में चाहता हूं साफ सफाई के मामले।